टी20 विश्व कप में आज टीम इंडिया का सामना न्यूजीलैंड से होना है। दोनों ही टीमों के लिए ये मैच करो या मरो जैसा होने वाला है। इस मुकाबले में हारने वाली टीम की सेमीफाइनल में पहुंचने की राह काफी मुश्किल हो जाएगी। हालांकि आंकड़ों के लिहाज से कीवी टीम का पलड़ा भारी नजर आ रहा है। टी20 विश्व कप में आज भारत को सुपर 12 राउंड के अपने अगले मुकाबले में न्यूजीलैंड का सामना करना है। ये मैच आज शाम 7:30 बजे दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। हालांकि भारत के लिए ये मैच आसान नहीं रहने वाला। इसकी सबसे बड़ी वजह न्यूजीलैंड के खिलाफ टीम इंडिया का खराब रिकॉर्ड है। 2003 विश्व कप के बाद भारतीय टीम ICC टूर्नामेंट में न्यूजीलैंड के खिलाफ एक भी मैच नहीं जीत सकी। दोनों के बीच 5 मुकाबले हुए और इसमें से 4 में कीवी टीम ने भारत को शिकस्त दी। एक मैच बेनतीजा रहा। ये बेनतीजा वाला मैच 2019 वनडे विश्व कप में ग्रुप स्टेज के दौरान हुआ। ये मैच बारिश की वजह से रद्द हो गया था। टी20 विश्व कप में दोनों टीमें 2 बार आमने सामने आ चुकी हैं और दोनों में टीम इंडिया को हार का सामना करना पड़ा। टीम इंडिया ने न्यूजीलैंड को 1987 वर्ल्ड कप में 2 बार हराया था। इसके बाद 2003 वर्ल्ड कप में 7 विकेट से शिकस्त दी थी। दोनों टीमें ICC टूर्नामेंट में पहली बार 1975 वर्ल्ड कप में ही भिड़ी थी। तब न्यूजीलैंड ने भारत को 4 विकेट से हराया था। वनडे विश्व कप में दोनों टीमें अब तक 9 बार भिड़ चुकी हैं। इसमें से कीवी टीम ने 5 मैचों में जीत हासिल की, जबकि भारत 3 बार मैच जीत चुका है। एक मैच का कोई नतीजा नहीं निकला। पिछली बार दोनों टीमें 2019 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में आमने सामने आई थी। तब न्यूजीलैंड ने भारत को 18 रनों से हरा दिया था। दोनों टीमें 2000 के चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में भी आमने सामने आ चुकी हैं। तब कीवी टीम ने भारत को 4 विकेट से हराया था। टी20 वर्ल्ड कप में दोनों टीमें 2 बार भिड़ चुकी हैं। अब देखना होगा कि आज क्या टीम इंडिया इतिहास बदल पाएगी या नहीं। DB Live की रिपोर्ट।